मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स स्क्वायर रूट। इनवर्स स्क्वायर रूट का मींस है, सबसे पहले हमने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, मींस जो फोर्स है आपका वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें यही प्रूव करना है इसमें, इनवर्स का स्क्वायर यानी कि हमें यही प्रूव करना है इसमें कि फोर्स है आपका वो इनवर्स के स्क्वायर के यानी कि आपके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रूल में ये है इनवर्स स्क्वायर, यानी कि इनवर्स का जो स्क्वायर है हमें उसको प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है जो प्लेनेट वगैरह के मूव जो मूव करते हैं आपके वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, और जब भी आपको कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। उस सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर एम आपका मास है, वी आपकी वेलोसिटी और आर आपका डिस्टेंस है। आपको पता है कि मास हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, तो जब मास हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एफ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। मास कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी, क्या बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर। वी की जो वैल्यू होती है वो होती है टू पाई आर अपॉन टी। यहाँ पर टू भी कॉन्स्टेंट है, टू की वैल्यू टू रहेगी और पाई की वैल्यू 22.7 और 3.12 होती है। तो मीन्स यहाँ पर आपका टू पाई भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बचेगा वी प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन टी। अब हमको दोनों साइड क्या करनी है आपकी, स्क्वायरिंग करनी है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब आर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, आर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। आपने पढ़ाया क्या प्लस कॉन्स्टेंट होता है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर हमारा क्या होगा, केप्लर्स कांस्टेंट हो गया। जब आर क्यू ओवर टी स्क्वायर हमारा केप्लर्स कांस्टेंट हो गया तो क्या बचा आपका, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। यही बचा ये दिया है क्या, हमारा क्या बचा, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। इस वैल्यू को उठाकर हम इसमें डाल देते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देते हैं, व्हाट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब वी स्क्वायर की जगह 1 बाय आर डाल देंगे हम, एफ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर की जगह 1 बाय आर, और ये 1 बाय आर आपका ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा।